Hello everyone, welcome back to my channel Decode History. Today's topic is Nazism and Rise of Hitler Part 1. Here in this video, I'm going to discuss about birth of Weimar Republic, the effects of the war and the years of depression. And in my upcoming videos, I'm going to discuss about Hitler's rise to power. Birth of Weimar Republic. Germany fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. इंग्लैंड फ्रांस एंड रशिया. जर्मनी ने अपना पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक इंग्लैंड फ्रांस और रशिया के खिलाफ लड़ा था. शुरू शुरू में जर्मनी के लोगों को ऐसा लगा था कि भाई ये वॉर ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला, थोड़े ही दिन चलेगा, उसके बाद हमें विक्ट्री मिलेंगे. पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. ये जो वॉर था ये लंबा खींचता गया और इससे करते ऐसे करते 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 क्या हुआ, जो इंग्लैंड का जो रिसोर्सेस था वो धीरे 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 ख़त्म होने लग गया था. शुरू में तो जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई कर लिया था, पर जो जर्मनी के जो एनिमीज थे कौन कौन, इंग्लैंड फ्रांस एंड रशिया, उन्होंने क्या क्या यूएस के साथ हाथ मिलाया 1917 में और दोबारा जर्मनी को हरा दिया. द डिफीट ऑफ इम्पीरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी. अ नेशनल असेंबली मेट एट वेमर एंड एस्टैब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर. डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड to the German parliament on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women. जैसे ही जर्मनी हार गया तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन चुका था पार्लियामेंट्री पार्टीज के लिए कि वो दोबारा जर्मन पॉलिटी में एंटर करे. वेमर में एक मीटिंग हुआ जहाँ पे नेशनल असेंबली ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश किया. अब डेप्यूटीज़ को इलेक्ट किया गया जर्मन पार्लियामेंट में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स, जहाँ पे सभी एडल्ट ने वोट दिया था इंक्लूडिंग विमेन, लेडीज़ ने भी जाके वोट दिया था. द पीस ट्रीटीज एट वर्सलीज विद द एलीज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस. जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, 75% ऑफ इट्स आयरन and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania. Germany को force किया गया था कि वो अपने enemies के साथ एक peace treaty sign करे, जो कि Germany के लिए बहुत ही ज़्यादा shameful था. जर्मनी ऑलरेडी अब तक बहुत कुछ खो चुका था, जैसे कि उनकी ओवरसीज कॉलोनीज, उसके आधे पॉपुलेशन तो मर चुके थे, उनकी कुछ टेरिटरीज खो चुके थे, वो 75% आयरन वो खो चुके थे, 26% कोल वो खो चुके थे. और ये सब खो ही नहीं चुके थे, इनको देना था. किसको देना था? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुएनिया को. क्यों देना था? क्योंकि उन्होंने पीस ट्रीटी साइन किया था और इसकी कंडीशन के हिसाब से उनको ये चीज़ें देना था. नाउ लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर. फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ द डेप्टर्स. दोज हु सपोर्टेड द वेमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स बिकेम ईजी टारगेट्स ऑफ अटैक इन द कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल्स. दे वे मॉकिंगली कॉल्ड द नवंबर क्रिमिनल्स. जैसे कि हमें पता है वॉर किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता. जैसे हर चीज़ का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक वैसे ही वॉर का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है. अगर किसी कंट्री में वॉर होता है तो उस कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है. ठीक उसी तरह यूरोप के साथ भी यही हुआ था कि पहले यूरोप क्या था, एक कॉन्टिनेंट, अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स. वो दूसरों को उधार देता था, दूसरे उससे उधार लेते थे. पर अब यूरोप खुद ही इतने उधार में आ चुका था कि वो डेप्टर हो गया था, क्रेडिटर से डेप्टर हो गया था, कि उसको ही उधार लेना पड़ रहा था दूसरे कंट्रीज से. जिन्होंने भी वेमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया था, जैसे सोशलिस्ट, कैथलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, वो क्या हुआ, टारगेट्स बन चुके थे नेशनलिस्ट सर्कल्स का. और वो लोग उनको मजाक में नवंबर क्रिमिनल्स भी बुलाया करता था.
द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी. सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस. पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी अग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग and masculine. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in their trenches, trapped with rats feeding on corpses. They faced poisonous gas and enemy shelling and witnessed their ranks reduce rapidly. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से सोल्जर्स को सिविलियंस से ऊपर माना गया था, ऊपर रखा गया था. पर सच तो ये था कि सोल्जर्स की लाइफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी ख़राब हो गया था. उन लोगों को ट्रेंचेस में रखा जाता था जिसके अंदर चूहे होता था. और सिर्फ यही नहीं, उनके जो रैंक्स थे, सोल्जर्स के जो रैंक्स थे, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता गया. Now let us see our subtopic, the years of depression. The year between 1924 and 1928 saw some stability. German investments and industrial recovery were totally dependent on short-term loans, largely from the USA. This support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. Fearing a fall in prices, people made frantic efforts to sell their shares. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, and speculators withdrew their money from the market. The effects of this recession in the US economy were felt worldwide. German investments or industrial recovery, ये दोनों totally dependent था short-term loans के ऊपर, जो कि कहाँ से मिलता था? USA. और ये जो सपोर्ट यूएसए जर्मनी को दे रहा था, यूएसए ने ये सपोर्ट वापस ले लिया जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जो कि एक बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जो कि यूएसए में है, क्रैश हो चुका था 1929 में. अब लोगों को तो डर लगने लगा था कि भाई यूएसए ने तो अपना सपोर्ट वापस ले लिया, तो इस डर के मारे उन्होंने क्या किया, अपना जो शेयर्स था बैंक में वो धीरे धीरे सेल करने लग गया था. फैक्ट्रीज बंद होने लग गया था, जो एक्सपोर्ट थे वो भी बंद हो चुका था, फार्मर्स को कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था. इनफैक्ट जो लोगों ने अपना पैसे मार्केट में लगा रखा था, उन्होंने भी अपने पैसे वापस उठा लिया मार्केट से. The German economy was the worst hit by the economic crisis. By 1932, industrial production was reduced to 40% of the 1929 level. Workers lost their jobs or were paid reduced wages. The number of unemployment touched an unprecedented 6 million. अब देखो, इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जर्मनी को सबसे ज़्यादा बड़ा झटका लगा था. बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो रिड्यूस्ड हो चुका था. वर्कर्स के पास अपना जॉब नहीं था, या तो जो जॉब में वो था वहाँ पे उनको कम सैलरी मिल रहा था. द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो 6 मिलियन तक पहुँच चुका था. उस टाइम पे जर्मनी के जो लोग थे वो प्लेकार्ड लेके रास्ते में बैठा हुआ था, और उस प्लेकार्ड में लिखा हुआ था विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब मैं कोई भी कुछ भी काम कर सकता हूँ. जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स था उस टाइम के, वो सड़क के कॉर्नर में बैठा होता था क्योंकि कोई भी जॉब नहीं होता था, या तो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने लाइन देके खड़ा होता था. पर उससे कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि इकॉनमी पूरी तरीके से टूट चुका था, कोई भी जॉब नहीं था, तो जो यूथ्स था उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दिया था. उस टाइम के जो मिडिल क्लास थे, स्पेशली जो सैलराइड एम्प्लॉयज़ था, पेंशनर्स था, वो देख रहा था कि धीरे धीरे उनकी जो सेविंग्स था वो ख़त्म हो जा रहा था, जो करेंसी की जो वैल्यू था वो गिरता जा रहा था. और सबसे बड़ा नुकसान एंटरप्रेन्योर्स को हुआ था क्योंकि बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था. और ऐसे सिचुएशन से गुजरने के लिए लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो रहा था. जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो काफ़ी अनस्टेबल रहता था, और जिसकी वजह से धीरे धीरे जर्मनी में डिक्टेटरशिप का माहौल बन रहा था.
दैट्स इट फॉर टुडे. होप टू सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.